उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। शुक्रिया। नंबर 10, बेपनाह। ड्रामा सीरियल बेपनाह की कहानी गुल और रुशना नामी दो नौजवान लड़कियों की जिंदगी के गिर्द घूमती है। रुशना एक लापरवाह और खुदगर्ज लड़की है और गुल एक खामोश और हसास लड़की है। रुशना की एक छोटी सी गलती ने इसके ख़ानदान में सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मरकजी किरदार कमल खान और इशाल फयाज ने अदा किए हैं। नए टैलेंटेड खाकान शाहनवाज ने ड्रामे में मरकजी किरदार अदा किया है। यह खाकान शाहनवाज का डेब्यू ड्रामा है। इस सीरियल में कमल खान ने भी बहुत दिलचस्प किरदार अदा किया है। नंबर 9, अगर। अगर ड्रामे की कहानी हुरिया नामी नौजवान और खूबसूरत लड़की की जिंदगी के गिर्द घूमती है। वो खूबसूरती की आशिक है और हर चीज़ खूबसूरत और कीमती चाहती है। हिना अल्ताफ उसामा खान के मुकाबले हुरिया का किरदार अदा कर रही है। ड्रामे की कहानी तफरी रोमानवी जज्बात से भरपूर है। जुगन काजम भी इस सीरियल का हिस्सा है। वो तवील अरसे बाद एक नए रूप और मजबूत किरदार के साथ नजर आएंगी। वो एनी नामी एक आज़ाद खातून का किरदार अदा कर रही है जो एक मुस्बत सोच के साथ अपना घर चला रही है। एनी एक स्कूल में काम कर रही है जहां इसकी मुलाकात खूबसूरत और जहीन आदमी शावेज से होती है। एनी और शावेज मोहब्बत करने लगते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन एनी की वालिदा इनके रिश्ते से मुतमईन नहीं है। नाजरीन एक नई ऑन स्क्रीन जोड़ी जुनीद खान और जुगन काजिम को देखेंगे। माहीन सिद्दीकी और हिना अल्ताफ जुगन काजिम की छोटी बहनों का किरदार अदा कर रही हैं। नंबर 8, मोहब्बत एक सज़ा। मोहब्बत एक सज़ा पाकिस्तानी टेलीविजन सीरीज़ है जिसे फारूक रिंद ने डायरेक्ट किया है। जंजबील आसिम शाह ने इसे लिखा है और समीना हमायूं सईद और सना शाहनवाज ने नेक्स्ट लेवल इंटरटेनमेंट के बैनर तले इसे प्रोड्यूस किया है। इस ड्रामे की मरकजी कास्ट में सना जावेद और जाहिद अहमद शामिल है। इस ड्रामे का प्रीमियर 1 दिसंबर 2022 को हम टीवी पर होगा। नंबर 7, जिंदगी एक पहेली। जिंदगी एक पहेली पाकिस्तानी टेलीविजन सीरीज़ है जिसकी कहानी तीन बहनों के गिर्द घूमती है। वो अपने वालिदैन के साथ खुशोखुर्रम ज़िंदगी गुजारती हैं, लेकिन अचानक इनके वालिद का इंतकाल हो जाता है। इनकी ज़िंदगी दुखी हो जाती है और इन्हें बहुत से माली मसाइल का सामना करना पड़ता है। हमारे मुआशरे में ख़वातीन को हमेशा महफूज रहने के लिए एक मर्द की ज़रूरत होती है। वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में चले जाते हैं, लेकिन इन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो हिम्मत और बहादुरी से हर चीज़ का सामना करती हैं। ड्रामे में खूबसूरत अदाकारा निमरा खान ने मरकजी किरदार अदा किया है। हारून शाहिद ड्रामा सीरियल एक पहेली में मारिया मलिक के मद्दे मुकाबल नजर आएंगे। नंबर 6, फ़र्क। फ़र्क ड्रामे की कहानी एक नौजवान लड़की की ज़िंदगी के गिर्द घूमती है जिसकी शादी एक बूढ़े शख्स से होती है। मरकजी किरदार फैसल कुरैशी और सहर खान ने अदा किए हैं। नाजरीन को एक नई ऑन स्क्रीन जोड़ी नज़र आएगी। सुपरहिट ड्रामे फितूर में परफॉर्म करने के बाद फैसल कुरैशी एक नए दिलचस्प किरदार के साथ जलवागर होंगे। नौजवान और बासलाहियत सबा शाह फैसल कुरैशी की बेटी का किरदार अदा कर रही हैं और इस सीरियल में इनकी अदाकारी लाजवाब है। ये सबा शाह का डेब्यू ड्रामा है। नंबर 5, पिंजरा। पिंजरा एक पाकिस्तानी ड्रामा टेलीविजन सीरीज है जिसे नजफ बिलग्रामी ने डायरेक्ट किया है। आसमान बील ने इसे लिखा है और शाजिया वजाहत ने शोकेस प्रोडक्शंस के बैनर तले इसे प्रोड्यूस किया है। इस ड्रामे का प्रीमियर 6 अक्टूबर 2022 को ARY डिजिटल पर हुआ। इस ड्रामे की मरकजी कास्ट में हदीका कियानी उमैर राना आशिर वजाहत आइना आसिफ और अहमद उस्मान शामिल है। इस ड्रामे की अब तक 3 एक साथ नशर हो चुकी है। नंबर 4, बेटियां।
बेटियां एक प्यारे बाप लायक अहमद की कहानी है जो अपनी 5 बेटियों की मोहब्बत के लिए बेपना मुश्किलात से गुजर जाता है। इसकी माँ और तलाक याफ्ता बहन की पैदा करदा मुश्किलात के अलावा इसे मुआशरे की गंदगी से भी निमटना पड़ता है। थोड़ी सी गलत फहमी की वजह से इसका ख़ानदान टूट रहा है और लायक अहमद अपने ख़ानदान के लिए हालात बदलने के लिए बेचैन है। वो किस हद तक जाएगा सिर्फ वक्त ही बताएगा। मोहम्मद अहमद बतौर लायक अहमद 5 बेटियों का एक प्यार करने वाला बाप है। वाहद वालदैन होने के नाते लायक अहमद अपनी वालिदा और एक तलाक याफ्ता बहन के साथ रहता है। मुश्किलात के बावजूद इसने हमेशा अपनी बेटियों से प्यार किया और इनकी ज़रूरियात पूरी की। फातिमा अफंदी बतौर फिजा सबसे बड़ी बेटी है जो अपने वालिदा की मौत के बाद से माँ की तरह ख़ानदान की देखभाल कर रही है। वो अपनी बहनों के लिए बहुत समझदार और हमदर्द है। महनूर हैदर बतौर आयजा यूनिवर्सिटी की तालिबा है और लायक अहमद की दूसरी बेटी है। वो अपनी क्लास फेलो सार से मोहब्बत करती है लेकिन अपने वालिद की मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाती। फाहद शेख बहैसियत दानिश एक अहल बैचलर है जो आयजा को पसंद करता है लेकिन आखिरकार फिजा से शादी कर लेता है। वो नाखुश है और अपनी दुखी ज़िंदगी का जिम्मेदार फिजा को ठहराता है। उसामा ताहिर बतौर साद आयजा की मोहब्बत का शौक है लेकिन तकदीर ने इसके लिए कुछ और ही मनसूबाबंदी कर रखी है। कुदसिया अली बतौर हानिया, तानिया हुसैन बतौर अनम और ईमान खान बतौर कोमल लायक अहमद की दीगर 3 बेटियां हैं। कभी कभी इसकी ज़िंदगी दाव पर लग जाती है। एक बाप को अपने ख़ानदान की खुशी के लिए बहुत कुर्बानियां देना पड़ती हैं। नंबर 3, तकदीर। तकदीर ड्रामे की कहानी एक नौजवान लड़की रूमी की ज़िंदगी के गिर्द घूमती है जिसे अपनी शादी के बाद अपनी ज़िंदगी में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। वो अपने ख़ानदान की इकलौती बेटी है और हर कोई इसकी ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करता है। समी खान एक फरमाबरदार बेटे का किरदार अदा कर रहे हैं जिसका नाम असद है। ड्रामे में अलीज़े शाह और समी खान ने मरकज़ी किरदार अदा किए हैं। वो एक दूसरे से मिलते हैं और मोहब्बत करने लगते हैं लेकिन शादी के बाद समी खान के घर वाले अलीज़े के साथ बदतमीज़ी करते हैं और इसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना देते हैं। समी खान एक बासलाहियत पाकिस्तानी ड्रामा अदाकार हैं। इनका हालिया ड्रामा तिनके का सहारा रुबाब हाशिम और हारून शाहिद के साथ है। वो नीलम मुनीर के साथ ड्रामा प्यार दीवानगी है में भी नज़र आ रहे हैं। नंबर 2, कलंदर। कलंदर ड्रामे की कहानी रोमांस, जज्बात और सस्पेंस से भरपूर है। नाजरीन को एक नई ऑन स्क्रीन जोड़ी कोमल मीर और मुनीब भट्ट नज़र आएंगे। कोमल मीर का हालिया ड्रामा खुशहाल खान के साथ वहशी है। इस सीरियल में अली अब्बास भी मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। ये एक लड़की के अल्लाह पर यकीन की कहानी है। इसका नाम वाजिबुल अदा है। वो कभी उम्मीद नहीं हारती और हमेशा खैर की दुआ करती है। नंबर 1, तिनके का सहारा। तिनके का सहारा एक पाकिस्तानी टेलीविज़न सीरीज़ है जिसका प्रीमियर 26 सितंबर 2022 को हम टीवी पर हुआ। इसे जंजबील आसिम शाह ने लिखा है, जीशान अहमद ने इसे डायरेक्ट किया है और इस ड्रामे की मरकज़ी कास्ट में सोनिया हुसैन, समी खान, हारून शाहिद और रुबाब हाशिम शामिल हैं। इस ड्रामे की अब तक 5 इकसाद नशर हो चुकी हैं। इसे मोमल शुनेद ने मोमल इंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। शुक्रिया।